जय हिंद प्यारे छात्रों, पिछली क्लास में आप लोगों का फार्मिंग सिस्टम पढ़ाया था। आज पेपर देखें, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से पूछा भी गया है। और अगला पेपर बेटा आप लोगों का है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में मेनली रबी सीजन से रिलेटेड जैसे सीरियल क्रॉप, पल्स क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप और उसके बाद में आपके कैश क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें बेटा क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। केवल आप लोग लेक्चर को तेज़ी से सुनते रहिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले व्हीट क्रॉप है, मिस गेहूं की खेती। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि टिटकम एस्टिबम, आप लोग ऐसे फोर्थ सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें पूरा था। तो बेटा गेहूं का बॉटकल नहीं होता, टिटकम एस्टिबम, इसकी फैमिली होती पोएसिया, पोएसिया ग्रेमनी फैमिली दोनों से बिलोंग करता है। आप कह सकते हैं इसको पोएसिया ग्रेमनी कह सकते हैं। इसका क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो होता है 2n = 42। इसका जो वर्जन प्लेस होता है वो साउथ एशिया होता है। इसके अगर बेटा हम साउथ एशिया या इसको हम तुर्की के नाम से भी जान सकते हैं, तुर्की भी इसका वर्जन प्लेस माना जाता है। और गेहूं को इसको हम अनाजों का राजा के नाम से भी जानते हैं, इसको अनाजों का राजा भी कहते हैं। और अगर देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टि के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से या उत्पादन के दृष्टिकोण से यहाँ पर विश्व में दूसरा स्थान गेहूँ का है। और इस तरीके से भारत धान के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है। और भारत में प्रमुख तौर पर अगर देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम पंजाब, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादातर गेहूं की खेती की जाती है। उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन सब में भी अच्छा किया जाता है। अगर देखें बेटा कि हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी की उससे देखें तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के दृष्टिकोण से सबसे पहला स्थान पंजाब का है। और आप लोग अगर थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस की बात कर दें तो आप देखें तो गेहूं के दाने इसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे चपाती बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये ग्लूटीन प्रोटीन बच्चों के लिए कुपोषण जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको भी ये कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बेटा इसका बॉटकल अगर फ्लोर देखें तो इसका जो पुष्पक्रम होता है इसको हम स्पाइक के नाम से जानते हैं। और इसका जो बीज होता है उस बीज को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। और इसके बौनेपन के लिए अगर देखें तो मेरा नोरिंटेन जीन ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और भारत में उगाया जाने वाला जो गेहूं होता है उसको इसको गेहूं में अगर देखें तो मैस्कन सेमी डॉर्फ इसमें ज़्यादातर रहता है। और अगर इसकी हम बात करते हैं कि गेहूं और दाने का अनुपात जो होगा वो 1:1.5 रेशियो में होता है। और उसके बाद में बेटा अगर हम देखें कि इसका टेस्ट वेट कितना होता है तो टेस्ट वेट इसका लगभग 40 ग्राम तक होता है। अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बेटा इसका ब्रीडिंग पहला होता है कि हाई यील्डिंग ग्रेन मतलब ज़्यादा उत्पादन के लिए, ब्रीडिंग गुड क्वालिटी फॉर हाई स्पाइक मतलब गुड क्वालिटी मतलब अच्छे दाने के लिए इसका अच्छा उत्पादन है। अगला है कि रोग और कीट इन सब के लिए रेजिस्टेंट अच्छी वैरायटी और टॉलरेंस अच्छी एक वैरायटी होनी चाहिए। मिनरल्स और मॉइस्चर और हीट के लिए भी अच्छी टॉलरेंस होना चाहिए। ये वैरायटी अच्छी तरीके से इसका एक उद्देश्य आप कह सकते हैं। बेटा अगर देखें कि ब्रीडिंग प्रोसीजर क्या क्या होगा तो सबसे पहला होता है बेटा वो इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है जैसे किसी देश से और दूसरे देश में बीज को ले जा करके वहाँ पर स्थापित किया जाए। इंट्रोडक्शन को हिंदी में पुनर्स्थापन। तो जैसे भारत में मैस्को से जैसे सोनोरा 63, सोनोरा 64, मैको 64 और उसके बाद में लार्मा लाजो 64 ये सब वहाँ से वैरायटी ला करके भारत में डेवलप किया गया था। तो भारत के लिए क्या है ये सब इंट्रोडक्शन मतलब एक पुनर्स्थापित प्रजाति के रूप में इसको माना जाता है। दूसरा होता है बेटा प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब होता है कि इसमें सिलेक्शन मतलब चुनाव मतलब समूह में से अच्छे गुण वाले पौधों को चुन करके और फिर उनको 7 से 8 पीढ़ी तक उगा करके उसमें से अवांछनीय जो गुण हो उन गुणों को हटा करके और शुद्ध वैरायटी के रूप में उसको विमोचित किया जाता है। इसमें जो रिलीज वैरायटी हैं इसमें जैसे P4, P6, P12 ये इसके अंतर्गत रिलीज जो पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। अगला होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्शन। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी इसमें जैसे इंटरवर्टिकल रूप में आता है तो इसमें भी कुछ वैरायटियाँ IRI के द्वारा डेवलप की गई हैं जैसे NP 809 ये भी एक या पूसा न्यू पूसा मल्टीपल क्रॉस डायवर्टीज बीमारी के रूप में इसको वैरायटी के रूप में इसको डेवलप किया गया है। ऐसे आपका इंटर स्पेसिफिक क्रॉस के रूप में भी वैरायटी को डेवलप किया जाता है। बैक क्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग, बैक क्रॉस में जैसे जो पिछली पीढ़ी के द्वारा जो भी लक्षण है उसको उसके अगली पीढ़ी के संतानों में डेवलप कराने के लिए जैसे रस्ट रेजिस्टेंट के लिए एक वैरायटी तैयार करना। ऐसे हाइब्रिड बीट के आप लोग देखेंगे जो दो स्पेसीज या दो बीजों के बीच में आपस कराएंगे जो उसका एक F1 जनरेशन होगा उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड बीट्स के रूप में भी इसमें किया गया है। म्यूटेशन ब्रीडिंग भी किया जाता है। तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी के द्वारा यहाँ पर अगर देखेंगे तो गामा किरणों के द्वारा या गामा रेंज के द्वारा
आप कह सकते हैं कि कुछ म्यूटेंट वैरायटी को भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, जैसे लाल गेहूं को यहाँ पर गेहूं सा कलर या गेहूं में से गामा किरणों के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। तो डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पर जो मल्टी लाइन वैरायटी, ये भी IERI के द्वारा इसमें भी कुछ अच्छे क्वालिटी के प्योर के बीज इसमें डेवलप किए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर ब्रीडिंग करके और अच्छे प्रजातियों को विकास किया गया है। अगर ब्रीडिंग सेंटर्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर जो कहाँ पर स्थित है, मैको में एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जो DWR जो करनाल में स्थित है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड और वीट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो करनाल में या आप कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली में इसके सेंटर उपस्थित हैं, ये भी यहाँ पर बेटा मुख्य तौर पर डेवलप किया गया है। और उसके बाद देखते हैं कि प्रैक्टिकल अचीवमेंट में जैसे सेमी डॉट वैरायटी वीट ये भी डेवलप किया गया है, कहाँ से, जामनकम इस लाइन नोरिंगटन जो जीन है उससे डार्फिंग जीन के रूप में इसको ग्रीन डब्लेशन या वीट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है, जिससे डार्क वैरायटी को ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर डेवलप कराया गया है। तो ये सब बेटा वीट के बारे में। अगला बेटा आपका वोट मीन्स जई की फसल में, ये भी रबी क्रॉप की एक अच्छी फसल के रूप में इसको भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप अगर देखें इसका बेटा बॉटिकल नेम होता है, तो इसका बॉटिकल नेम होता है एविना सटाइबा, इसका बॉटिकल नेम होता है बेटा एविना सटाइबा। और उसके बाद में ये फैमिली कौन सा होता है, पोएसी क्रोमोजोम नंबर होता है 2N बराबर, इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 2N = 42, इसका वर्जन प्लेस जो है वो साउथ एशिया है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो जैसे चाइना, इंडिया, रसिया, USA इन सब में ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। और उसके बाद में इसके भी इसको जो फ्लोरल या बायोलॉजिकल के रूप में देखें तो इन्फ्लोरेसेंस को भी इसको इराया हेड के नाम से जानते हैं, और इसको स्पाइक तो लगभग उसी जैसे आपका गेहूं का वही चीज़ है। इसमें भी फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल के रूप में इसको होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ये होता है। और इसके अगर हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन एंथर में, जो पॉलन ग्रेन एक एंथर में लगभग 1000 से 4000 तक पॉलन ग्रेन इसमें भी होता है। इसका जो बेटा मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट होता है वही चीज़ यहाँ पर ब्रीडिंग करने का वही है कि ब्रीडिंग फॉर हाई ग्रेन यील्ड, ज़्यादा अनाज उत्पादन के लिए, अच्छी क्वालिटी के अनाज उत्पादन के लिए, डिजीज और इंसेक्ट इन सब के लिए रेजिस्टेंट हो, टोलरेंट वैरायटी हो, ये सब करने के लिए मिनरल्स मतलब पोषक तत्व और नमी और तापक्रम इन सब के लिए हीट अच्छी वैरायटी वहाँ पर होना चाहिए, इन वैरायटी के लिए इसमें देखा गया है। अगला बेटा होता है कि यहाँ पर अगला आपका आता है बार्ले। बार्ले का जो बॉटिकल नेम होता है बेटा इसका होता है हॉर्डियम बाल्गेयर, ये भी आपका ग्रेमली फैमिली से बिलोंग करता है। इसका अगर देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर बराबर 2N = 14 होता है। और अगर हम दाने की बात करते हैं तो लगभग इसके दाने में 11 से 15% तक इसमें प्रोटीन, एल्बुमिनाइड प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो बेटा लगभग इसमें 75% तक कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और इसके भी दाने को क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। इसके भी पुष्परम को क्या बोलते हैं, स्पाइक या हेड कहते हैं। और आप कह सकते हैं ये सबसे अच्छी पॉपुलरिटी इसकी क्या होती है कि लवणता और क्षारीयता को अच्छी तरीके से सहनशील होने वाली या वैरायटी होती है। और इसका सबसे ज़्यादा स्टार्च या माल्ट के रूप में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जिससे बियर वर बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन इसके हम वैरायटी की बात करते हैं तो जो कि 3 जातियों में इसको बांटा गया है, जैसे हॉर्डियम बल्गेयर, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हॉर्डियम बल्गेयर को ही उगाया जाता है। अगला होता है बेटा कि हॉर्डियम यहाँ पर डिस्टिकन, तो इसमें आप देखिए तो इसका जो मध्य भाग स्टाइन में इसका होता है। अगर देखेंगे अगला तीसरा जो होता है बेटा ये आपका है हॉर्डियम, इसके इरेगुलर के रूप में इसको उगाया जाता है। तो इसकी भी 2 रो वाली ये भी बालियां आप कह सकते हैं कि होती हैं, इसमें जो बालियां जो होती हैं वो 2 रो की होती हैं, 2 रो अलग अलग इसमें रहते हैं। तो ये सब होता है। फ्लोर बायोलॉजिकल में हम आपको बताई दिया कि पुष्परम जो स्पाइस है उसको हेड बोलते हैं, और इसके दाने को क्या बोलते हैं, करियोप्सिस बोलते हैं। और इसमें भी बाइसेक्सुअल होता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होता है। और इस तरीके से इसके भी एक पॉलन में लगभग 1000 से 4000 तक एंथर में 1000 से 4000 तक पॉलन ग्रेन इसमें पाए जाते हैं। इसका जो बेटा ऑब्जेक्ट होता है, इसका उद्देश्य वही चीज़ अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी अवेलेबिलिटी और रेजिस्टेंस अच्छा हो, और उसके बाद में ये अच्छे तरीके से माल्ट के रूप में इंडस्ट्री में इसका माल्ट के रूप में अच्छा उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ होता है अचीवमेंट ब्रीफली, मतलब कौन कौन से वैरायटी कब कब इनका अचीवमेंट किया गया, जैसे रत्ना ज्योति ये सब इसकी मुख्य वैरायटी, जैसे यहाँ पर करण 750, ऐसी अलग अलग अच्छी वैरायटियाँ इसमें प्रमुख तौर पर किया जाता है। दूसरा बेटा लेक्चर में अगर देखेंगे तो पल्स क्रॉप के लिए, पल्स क्रॉप में भी जैसे आपका चिकपी, कल आप लोग एग्रोनॉमी का एक वीडियो उसको भी जा करके देख सकते हैं, उसमें पूरे क्रॉप के बारे में मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो, तो ये भी वीडियो इसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट से रखा गया है। तो बेटा इसमें जो चिकपी जो चना में से क्या होता है, सिसर इराटनम, और जो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी से, कोई भी दलहनी पौधा होगा वो सब लेग्यूमिनेसी से, और जितने भी जो घास फूल वाले पौधे होते हैं वो सब आपका ग्रेमनी या आप कह सकते हैं कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका भी क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो आपका होता है इसमें 2N = 16, इसका 2N = 16
ये इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। वर्जिन प्लेस अगर हम देखेंगे तो साउथ ईस्ट या तुर्की इसका मुख्य तौर पर माना जाता है, इसका वर्जिन प्लेस जो आप कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसको क्लासिफाइड किया गया है, एक आपका होता है बेटा फील्ड पी और एक होता है गार्डन पी। जैसे इसमें देखते हैं पाइसम सटाइबन, ये आपका क्या है फील्ड पी है, और उसके बाद में जो दाल के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है एक होता है बेटा गार्डन पी जिसका होता है पाइसम सटाइबम, और ब्राइटी जो होता है वो आपका हॉर्टेंस मीन्स टेबल पी, इसको बोलते सॉरी टेबल पी के नाम से भी जानते हैं, जिसको सब्जी के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस बहुत लोग इसकी उत्पत्ति भारत में भी मानते हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज हैं जिनको कह सकते हैं खेती के रूप में नहीं। अगर इसको हम फ्लोर बालोस्कल के रूप में अगर हम इसमें देखते हैं तो वही चीज़ इसमें जो सक्सेलरी आप कह सकते हैं कि सभी प्लांट्स जो भी इसके अंतर्गत जो प्लांट की लंबाई या जो लेंथ वो भी काफ़ी इसकी बड़ी होती है, और इसके जो दाने वो आप कह सकते हैं कि सब्जी के रूप में या सब्जी के रूप में या आप कह सकते हैं कि इसका दाल के रूप में इसका अच्छा तरीके से उपयोग किया जाता है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में अगर देखते हैं, और इसके बायोलॉजिकल फ्लोवर के बारे में आप लोग अक्सर जानते ही हैं, ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, इंक्रीजिंग यील्ड सीड यील्ड ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए, इंक्रीज इन बायोमास या टाल अच्छा टाल हो ये सब के लिए, रेजिस्टेंट डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो, ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट हो, फ्यूजेरियम बिल्ड के लिए रेजिस्टेंट हो, रूट रॉट इन सब के लिए क्या हो एक अच्छा रेजिस्टेंट पॉड बोरर, या जो भी टॉलरेंस कोल्ड इस हीट ड्रॉथ एसलाइन एल्कलाइन सॉइल इस सब के लिए क्या हो अच्छी रेसिस्टेंट वैरायटी हो। यहाँ पर ब्रीडिंग प्रोसीजर अगर देखें तो सब पेडिग्री मेथड, पेडिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं वंशावली विधि, मीन्स वंशावली को देखते हुए इसमें वंशावली करेक्टर को देखते हुए और बीजों में आपस में क्रॉस कराया जाता है, और फॉर रेसिस्टेंट ब्रीडिंग डिजीज इंसेक्ट नेमेटोड्स इन सब के लिए इसमें क्या होता है रेसिस्टेंट ब्रीड तैयार किया जाता है। मॉडिफाइड बल्क मेथड यहाँ पर इसके मात्रा में भी इसको तैयार किया जाता है, तो जो मॉडिफाइड इसमें बल्क मेथड होता है इसके ड्रॉथ कोल्ड हीट उसके बाद में आयरन डिफिशियंसी इन सब के कह सकते हैं रेसिस्टेंट वैरायटी इसमें किया जाता है। तब बोलते बेटा बैक क्रॉस का मतलब यह होता है कि पिछली पीढ़ी से यहाँ पर क्रॉस कराना, जैसे मान लीजिए कि दो वैरायटियों के बीच में आपस में क्रॉस कराना इसके अंतर्गत आता है, तो इस तरीके से यहाँ पर बैक क्रॉस के द्वारा भी किया जाता है, या सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब जो कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इसके द्वारा भी थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर मीन्स प्लांट के टिश्यू कल्चर के द्वारा भी टूल्स या प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा भी एक नई प्रजाति को डेवलप किया जाता है। इसमें जो इम्प्रूव वैरायटी है यहाँ पर जैसे BDN93 या BDNG997 या कुछ यहाँ पर तो अलग अलग वैरायटियों को यहाँ पर डेवलप किया गया है, जैसे अर्किल या यहाँ पर आप PKB ऐसे प्रजातियों को इसमें डेवलप किया गया है। अगला होता है बेटा सनफ्लावर, ये आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं सूरजमुखी जो आयल सीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप्स ये आपका होता है, इसका हेलियंथस एनस इसका बॉटल नेम होता है, ये आपका कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है, थोड़ा सा बेटा याद रखिएगा कंपोजिटिव फैमिली से ये बिलोंग करता है, और इसका अमेरिका इसका क्या वर्जिन प्लेस है। और यहाँ पर अगर देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो अलग अलग जैसे USA है या आपका रोमियन या इंडिया इन सब में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इसकी खेती होती है। भारत में अगर देखें तो तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर इसकी खेती होती है। अगर हम देखें इसके फ्लोर बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके कैप्टलम इसके या इसी को हम हेड बोलते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस को, और इस तरीके से अगर देखें कि फ्लोर में आयल सीड जो में वेरीफॉर्म मतलब 700 से लगभग 3000 तक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, या फ्लावर जो आउटर होल होता है इसका हेड होता है वो उसको क्या बोलते हैं रे फ्लोट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सब अलग अलग इसके फ्लावर करेक्टर्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं, इसका एम्ब्रियो कैसे होगा इसका पार्ट कैसे होगा इस सब के बारे में देख सकते हैं। बेटा ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट के रूप में तो वही सीड यील्ड के लिए अर्ली मैच्योरिटी के लिए, या आपका रेजिस्टेंट अच्छा हो यूनिफॉर्मली हाई ऑयल परसेंटेज वाली वैरायटी हो जिससे ज़्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन हो रेजिस्टेंट अच्छा हो ये सब भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ब्रीडिंग कौन कौन सा मेथड अपनाते हैं जैसे इंट्रोडक्शन में जैसे मॉडर्न फार्म आप यहाँ पर जैसे कनाडा इसमें आप क्या करते हैं कि अब बताया आपको पहले बता दिया इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई दूसरे देश की प्रजाति हो जो यहाँ पर ला करके उसको डेवलप की जा रही हो। मास सिलेक्शन के द्वारा मास सिलेक्शन होता है कि समूह में पौधे को अच्छे गुण वाले पौधों का चयन करना, तो चयन करके भी अच्छे प्रजातियों को इसमें जो चयन किया होगा उसको 7 से 8 पीढ़ी तक उगाते हैं, और उसमें जो अच्छे करेक्टर वाले पौधे होते हैं उनका चुनाव करके और इस प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी का बीज डेवलप कर लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे प्लांट हाइट के लिए रेजिस्टेंट इन सब वैरायटी को भी डेवलप किया जाता है, तो ये सभी होता है। या इंटर स्पेसिफिक के लिए बर्ड इसमें नाउ जैसे नॉर्थ अमेरिकन इसके बेस्ट के लिए
इसमें बहुत सारे वाइल्ड प्रजातियाँ म्यूटेंट जो म्यूटेशन के द्वारा कई सारी प्रजातियाँ इसमें डेवलप की गई हैं, ये भी होता है। या हेड टू रो, यहाँ पर इसके द्वारा भी मेथड जो भी पौधे का हेड होता है मतलब ऊपर का जो हेड का भाग होता है उसका चुनाव, जो अच्छे गुण वाले पौधे होते हैं उनका चुनाव करके, और चुनाव करके फिर उन पौधों को क्या किया जाता है कि पॉलिनेशन करा करके और अच्छे हेड वाले पौधे को यहाँ पर चुना जाता है कि जिससे उसमें और थोड़ा सा आइसोलेशन डिस्टेंस अलगाव दूरी, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे को इतना दूरी रखा जाए कि वह एक पौधा दूसरे पौधे से क्रॉसिंग ना कर सके, इसलिए उसका क्रॉस ना हो, तो इसमें लगभग आइसोलेशन दूरी को अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड टेस्टिंग अच्छे तरीके से उसको टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और नेक्स्ट सीजन तक फिर अच्छे तरीके से क्रॉस करके जो अच्छे गुण वाले होंगे उनको पौधों को सेलेक्ट कर लें, नहीं तो पौधों को बाहर कर लेते हैं। उसके बाद में पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, जो अच्छे पौधे होते हैं भाई मास सिलेक्शन, जो अच्छे पौधे हैं उनका कलेक्ट करके उनको सेलेक्ट करके फिर उसको बाहर कर देंगे। हेट्रोसिस ब्रीडिंग के द्वारा भी पौधे को यहाँ पर कर लेंगे, जैसे इसमें PSH1A PSH11 इन वैरायटियों को डेवलप किया गया है, तो जैसे इसका स्टेप्स क्या होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड्स, या यहाँ पर इवेल्यूशन ऑफ इनब्रीड फॉर कम्बिनेशन अवेलेबिलिटी, या फिर आपका कंजर्वेशन यहाँ पर इनब्रीड्स इनटू CGMS लाइन या आर लाइन मेथड के द्वारा, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, इन सब विधियों के द्वारा या इन सब स्टेप को अपना करके और एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग सेंटर में आप देखेंगे तो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में स्थित है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। अगला है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सनफ्लावर इम्प्रूव प्रोजेक्ट, जो अब कहाँ पर है, बंगलोर में है। इम्प्रूव हाइब्रिड वैरायटी इसमें जैसे LSH1, LSH2, LS11, SS15, तो इस तरीके से यहाँ पर भानु, इस तरीके से एक अलग अलग प्रजातियाँ इसमें हैं। तो बेटा अगला सनफ्लावर था, इसे आपका ऑयल सीड में सनफ्लावर भी है, इसको भी आप लोग एक बार बेटा देख लीजिएगा। एक चीज़ आपका लैंड सीड है, लैंड सीड भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्रॉप के रूप में आता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बेटा आता है रैप सीड भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे इसमें ब्रेसिका स्पीसीज फैमिली से इसमें आते हैं, तो ब्रेसियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2N/38 होता है, यूरोप इसका वर्जिन प्लेस होता है। तो इस तरीके से इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें इंडिया, चाइना, फ्रांस, ये सब अलग अलग, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। अगर हम इसका फ्लोवर बायोलॉजिकल के रूप में अगर आप देखते हैं तो इसमें इन्फ्लोरसेंस या फ्लावरिंग यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसके भाग प्रजन होते हैं। अगला हम देखते हैं कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होगा बेटा, जैसे हाई यील्ड या अर्ली मैच्योरिटी, हाई ऑयल कंटेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंट ऑफ डिजीज होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू पेस्ट होना चाहिए, तो ये सब भी इसमें विशेष तौर पर अच्छा होना चाहिए। मस्टर्ड मीस सरसों के रूप में भी ब्रेस का स्पीसीज ब्रेसियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका भी बेटा क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2N/36 होता है, वर्जिन प्लेस इंडिया ही है, चाइना और इंडिया, यूरोप, पाकिस्तान, इस सब अलग अलग क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट सारे वही होते हैं। ब्रीडिंग मेथड्स में इसमें जैसे आपका इंट्रोडक्शन या आपका सिंपल सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन, ये सारे बैक क्रॉस मेथड, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, हेट्रोसिस ब्रीडिंग या म्यूटेशन ब्रीडिंग, टिशू कल्चर टेक्निक, इम्ब्रियो टेक्निक, इन सब टेक्निक्स के द्वारा एक नई वैरायटी इसमें भी डेवलप किया जाता है। बेटा आगे देखते हैं कि फॉडर क्रॉप में आपका सबसे महत्वपूर्ण जैसे नेपियर ग्रास होता है, तो इसका जैसे इसमें होता है पेनिसिटम, इसमें परप्यूरम इसका बॉटकल नेम होता है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर 2N/27, 28 और 56 होता है, वर्जिन प्लेस अगर देखेंगे तो क्रॉसलैंड या ऑफ यहाँ पर अफ्रीका, या आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल अफ्रीका यहाँ पर ये माना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी चाइना, इंडिया, USA यहाँ सब है। फ्लोर इन्फ्लोरेंस के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या भाग इसके अंतर्गत, ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट भी लगभग वही होते हैं, ब्रीडिंग लगभग क्रॉस करके इसमें भी तैयार किया जाता है, ऐसे आपका बाजरा, तो ये सब भी फॉडर क्रॉप में प्रमुख तौर पर आता है, इसको भी बेटा आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आगे सोरगम भी आपका फॉडर क्रॉप है, इसमें भी वही सब लगभग पार्ट है, और इस सबको आप आसानी से देखकर तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिए, और अभी हम सेकंड वीडियो भी इसमें लेक्चर सेकंड के नाम से भी अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग बेटा देखते रहिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।